सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, बेस्ड है बिहार विधान परिषद परिचारी इंटरव्यू। और आपको बताना चाहूंगा कि फर्राश रिलेटेड इंटरव्यू से हमारे पर्टिकुलर एक व्यूवर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप इससे रिलेटेड एक इंटरव्यू बना दीजिए। ऑलरेडी दोस्तों हमने आपको विधान परिषद में अटेंडेंट पोस्ट का इंटरव्यू ऑलरेडी दे रखा है, और ग्रुप डी के हमने ऑलमोस्ट आपको 200 वीडियोस अपने चैनल्स पर दे रखे, और हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज की देख सकते हैं। बहुत कुछ वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। कनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा। कनिका, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप परिचारी पोस्ट के लिए आ रहे हैं, तो आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या? यस सर। सर मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने ऑफिसर के वर्क का साफ सफाई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से है। ओके, हाँ जी। ये तो फिर ऑब्वियस है कि परिचारी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी हम आपका इंटरव्यू लें। हाँ जी सर। चलिए अब ये बताइए कि आप विधान परिषद में आ रहे हैं, तो विधान परिषद का गठन कैसे होता है? सर इसके जो प्रत्यक्ष द्वारा जो सदस्य होते हैं ना, वो चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और जो कुछ जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए हमें कि जैसे आपका नाम कनिका है, तो कनिका का मीनिंग क्या होता है? सर कनिका का मीनिंग होता है गोल्ड। ओके, हाँ जी। आई एम कनिका, माय नेम इज गोल्ड। आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम। आई एम कॉम्पिटिटिव गर्ल, आई लव चैलेंजेस। आपको चैलेंजेस पसंद? हाँ जी सर। चलिए, आप बिहार में ऑब्वियस है पोस्ट के लिए आ रहे हैं, तो बिहार में 2023 की पॉपुलेशन कितनी चल रही है? श्योर सर, 12.68 करोड़। 12.68 करोड़। ओके, और 2011 में कितनी थी? सर 2011 में है 13 करोड़। ओके, हाँ जी। अच्छा, बिहार के गवर्नर कौन है? सर बिहार के गवर्नर है राजेंद्र अलनेकल। और बिहार के सीएम? सर बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार। ओके, अच्छा ये बताइए कि बिहार विधान परिषद कब बनी थी? सर ये बनी थी 28 मार्च 1936 में। ओके, आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए। सर आई हैव डन इन 12th क्लास फर्स्ट डिवीजन। आपने फर्स्ट डिवीजन से पास आउट? यस सर। ओके, आपको नहीं लगता जैसे अभी आप ऑफिस में पढ़ रहे होंगे तो इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हैं? यस सर, बट मेरे विधानसभा परिषद के साथ गवर्नमेंट जॉब के साथ जुड़ना मेरे गर्व की बात है। मैं अपनी फैमिली जॉब को पाकर मैं अपनी फैमिली का हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हूँ। कनिका, इस पोस्ट के लिए हमारे पास परिचारी पोस्ट के लिए बहुत से कैंडिडेट्स आए हुए हैं, तो कोई हमें रीज़न दीजिए कि हम आपको सेलेक्ट करें। यस सर। सर मैं अपने आप को दूसरों से तो कंपेयर नहीं कर सकती, कुछ मेरे से आगे भी हो सकते हैं, कुछ मेरे से पीछे भी हो सकते हैं, बट मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मैं एक सिंसियर हूँ, मैं अपने काम को टाइम टू टाइम करती हूँ। ओके सर, और मैं एक पंचुअल गर्ल हूँ। कोई एक्सपीरियंस आपको आपने बताया था? श्योर सर। सर मुझे 2 ईयर का, जैसे मैंने आपको बताया 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसको डिटेल में बताइए। हाँ जी श्योर सर। सर मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ऑफिस वर्क को मतलब अच्छे से, मतलब साफ सफाई में, कॉलिंग वगैरह, कॉल वगैरह को हैंडल करना, आए हुए अतिथि को सीनियर से मिलवाना, मीटिंग करवाना, उनके मीटर के अरेंजमेंट करवाना। सर कंप्यूटर का भी एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छे से, फाइल वगैरह अच्छे से तैयार करना, रेडी करना, मेरे को ऑफिस वर्क का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है सर। चलिए, आपका एक्सपीरियंस ऑफिस में हमारे काम आएगा। हाँ जी सर। अच्छा, जॉब के लिए आप अपनी सिटी से बाहर चले जाओगे? सर यस सर, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक वर्सेटाइल गर्ल हूँ, मुझे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। मेरे को बिहार से बाहर भी जाना पड़े तो मैं चली जाऊँगी सर जॉब के लिए। अच्छी बात है भाई। अब आप हमें ये बताइए कनिका, आपकी हॉबीज़ क्या? ओके सर, माई हॉबी आर मेकिंग फ्रेंड्स, कुकिंग, डांसिंग एंड रीडिंग बुक्स, माई हॉबी। ओके, बुक्स भी पढ़ते हैं? यस सर। कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं? हिंदी इंग्लिश? हिंदी सर। ओके, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं आप? हाँ जी सर, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इनको डेली रीड करती हूँ। ओके, अच्छा ये बताइए कि आपकी वीकनेस क्या है, कमजोरी आपकी? सर मेरी वीकनेस इंग्लिश ग्रामर है, उसके लिए मैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, बुक्स वगैरह भी रीड कर रही हूँ अच्छे से। okay. और अपना मतलब टाइम वगैरह भी दे रही हूँ मतलब। इसके अलावा कोई वीकनेस आपकी? इसके अलावा मैं बोलती बहुत हूँ सर। ओके, तो ये भी एक वीकनेस है? हाँ जी सर, मैं बोलती बहुत हूँ। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके अंदर, कोई अच्छी बात? सर मैं एक तो पंचुअल हूँ, एक मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अपने टाइम टू टाइम गर्ल काम करती हूँ, और मैं अपने काम आज के काम को कल पे ढीला नहीं करती। ओके, कनिका, जॉब के दौरान अगर आपके सीनियर आपको कुछ कह दे, कभी आपको स्कोल्ड कर दे, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नो सर। सर अगर वो कुछ कह भी देंगे तो मेरे कुछ फायदे के लिए, भले के लिए कहेंगे, उनसे कुछ सीखने को, गाइड के लिए ही मिलेगा। कनिका, आप किस तरीके के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं? सर मैं उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ जो टाइम के पाबंद हो, जो अपने टाइम काम को टाइम टू टाइम करते हो, और जो आज के काम को कल पे ना छोड़े और ढीले ना करें, और काम को और टाइम को अहमियत दें, उनके साथ काम करना मैं पसंद करती हूँ। और किस तरीके के लोग आपको पसंद नहीं है, जिनके साथ आप काम नहीं करना पसंद करते? श्योर सर। सर मैं उनके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती जो अपने काम को ढीले करते हैं, और टाइम के बिल्कुल भी पाबंद नहीं होते हैं, जो आज के काम को कल पे ढालते हैं। ओके,
आपने बोला था इंट्रोडक्शन के दौरान कि आप एक कॉम्पिटिटिव गर्ल हो। यस सर। तो क्या आप प्रूव कर सकती हो कि आप एक कॉम्पिटिटिव गर्ल हो? श्योर सर। सर मैं 10th और 12th में फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हूँ। ये मैं यही प्रूफ है और मैं कॉम्पिटिटिव गर्ल हूँ। ओके। अच्छा हमें आप ये बताइए, जैसे आपके जो सीनियर्स है वो आपसे पर्सनल वर्क भी आपको दे अदर देन ऑफिस वर्क, तो आप कर देंगे? श्योर सर। सर मैं एक हेल्परफुल गर्ल हूँ और मैं कोई अगर मेरे ऑफिस का वर्क का काम नहीं रुकता है तो मैं दूसरों की मदद जरूर करूँगी। अगर फिर भी मेरे ऑफिस का काम पेंडिंग रहता है या मैं कोई वर्क करती हूँ ऑफिस का तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, तो उनको मैं बोलूँगी कि मैं बाद में करूँगी काम। ओके। यस सर। आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर वैसे तो मैं टीम के साथ भी पसंद करती हूँ वर्क करना। अगर मेरे को जरूरत पड़े तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ, अगर मुझे मतलब टीम की जरूरत पड़े तो मैं टीम के साथ भी वर्क करना पसंद करती हूँ। ओके। और मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर मैंने इस जॉब के लिए काफ़ी मेहनत करी है, अगर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं कुछ अपनी गलतियों को सुधारूंगी, कुछ मेरे को लगेगा कुछ में गलतियां हैं तो दोबारा उनको सुधार के दोबारा इस लाइन में आऊंगी और आपके आपके सामने जरूर आऊंगी और इंटरव्यू दूंगी अच्छे से। इतने ऑप्टिमिस्टिक है आप? यस सर। कि नेक्स्ट टाइम भी आप इंटरव्यू देने जरूर आएंगे? श्योर सर। और आपको विश्वास है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा? हां जी। चलिए तो बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर भाई, यू आर रियली कॉम्पिटिटिव गर्ल। जैसे आपने अपने नाम का मीनिंग बताया था, गोल्ड है आपके नाम का। यस सर। ओके। कनिका आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? यस सर। सर मुझे इस टाइम जॉब की काफ़ी जरूरत थी, मेरी फैमिली को भी नीड थी और मतलब कुछ कंडीशन ऐसी थी ताकि मेरे को जॉब करनी है, फिर भी अगर मुझे स्टडी का मौका मिले तो आगे सर मैं जरूर स्टडी करूँगा क्योंकि मेरी स्टडी भी बहुत जरूरी है। ओके। आपको लगता है कि आगे मौका मिले तो आप कर लेंगे? हाँ जी सर, श्योर मैं कर लूँगा। अगर मैं बोलूँ आप एक वर्ड में अपने बारे में हमें बताइए तो आप कौन सा वर्ड चूज करेंगे? आई एम क्रिएटिव गर्ल। क्रिएटिव हैं आप? यस सर। दैट्स गुड। कनिका आपकी फैमिली के बारे में बताइए हमें। श्योर सर। सर माय फैमिली मेंबर इज 7 मेंबर, माय ग्रैंड मदर एंड माय मदर हाउसवाइफ, माय फादर इज ए न्यूज़पेपर वर्कशॉप। ओके। माय सिस्टर इज माय वन सिस्टर एंड 2 ब्रदर। ओके। आपको गुस्सा आता है कनिका? नो सर, मैं काम है कूल कर रहा हूं। ओके। आपने जो भी आंसर्स दिए वो मैच करते हैं वाकई में इस जॉब को, और आप बिहार विधान परिषद में अगर परिचारी पोस्ट के लिए आ रहे हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा। पर अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ जो आपके बहुत काम आता है। देखिए अगर आप बिहार परिषद में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप परिषद के बारे में, खास करके कुछ बिहार के बारे में और कुछ विधान परिषद के बारे में बिल्कुल आप अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस अच्छे से करें, फॉर एग्जांपल आप ये बात हमेशा मानकर चलना कि अगर ये जॉब ऐसे स्तर के लिए नहीं है जैसे क्वालिफाइड हो कि कोई ग्रेजुएट हो कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो भी वहाँ पर आपको ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट जरूर मिलेंगे। तो ऑब्वियस है कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो कुछ सीनियर लेवल के लोगों से जरूर है। ऑब्वियस है जब स्टैंडर्डाइज लोग आएंगे तो इंटरव्यू का भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी लैंग्वेज में भी कमांड हो, बातचीत में भी आप अच्छे हो, तहजीब हो, मैनर्स हो, सॉफ्ट स्किल्स हो। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, अपने बात करने के तरीके को सुधारेंगे, इवन अपना एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बनाकर जाएंगे जिसके अंदर आपकी हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपके बारे में, आपकी एजुकेशन, आपके नाम, सब कुछ आपके बारे में, इवन जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप मधुबनी से बिलोंग करते हैं तो आपको मधुबनी के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने यहाँ पर कनिका से पूछा आप बिहार के बारे में बताइए, वो आपसे आपके पर्टिकुलर सिटी के बारे में बोलेंगे कि हाँ जी आप वेस्ट चंपारण से हैं, चलिए वेस्ट चंपारण के बारे में बताइए। तो डेफिनेटली आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बिहार परिषद में जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए विधान परिषद के बारे में अगर आप जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल क्वेश्चंस जैसे कि हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें, आपकी एजुकेशन ये कह रही है कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स भी जाएंगे, ग्रेजुएट्स भी जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी जाएंगे, हो सकता है आपके पास कॉमर्स हो, साइंस हो सकता है आपके पास आर्ट्स हो, आपको बोलेंगे आपके पास पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, तो आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट करते हुए आपने अपना करियर क्यों नहीं बनाया? जब आपने 12वीं में साइंस लिया था तो आपके साइंस को आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप आगे सीए वगैरह कुछ कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप इस जॉब के लिए क्यों आ रहे हैं? यानी कि वो आपसे क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस जरूर करेंगे, इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से आंसर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए पर्सनल क्वेश्चंस पे आप बस अच्छे से वर्क करना। और कनिका यू हैव गिवन अ वेरी गुड इंटरव्यू, कीप इट अप।